अच्छा, तो मैंने बेसिकली टॉपिक्स लिख के रखे थे। सर्चिंग में जो है वो बेसिकली हमारी दो सर्चिंग आती है, एक आती है लीनियर सर्च, एक आती है बाइनरी सर्च। तो हमें जो करनी है, हमें सिर्फ बाइनरी सर्च करनी है, ठीक है। सर्चिंग क्या होता है कि जब आपको किसी एरे में कोई चीज़ को सर्च करना होता है, तो वो होती है बेसिकली सर्चिंग, जो कि दो तरह से होती है, एक लीनियर होती है, एक बाइनरी होती है। फिर उसके बाद आती है सॉर्टिंग, कि जब भी किसी चीज को सॉर्ट करना हो, जैसे नंबर ऑफ एरे है तो नंबर आगे पीछे हुए हुए हैं, तो उनको सॉर्टिंग करना कि 1 ही पहले आए, फिर उसके बाद 2 आए, फिर 3, फिर 4, इस तरह से। तो सॉर्टिंग वैसे ये सारी होती है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट भी होती है, पर सर ने क्विक सॉर्ट नहीं करवाई, तो हम ये चार ही सॉर्टिंग पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा हमारे आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, सही है, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो सर ने हमें चार पढ़ाए हैं। एक उन्होंने पढ़ाया है एरे, एक पढ़ाया है स्टैक, फिर पढ़ाया है क्यू, फिर है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की दो टाइप्स पढ़ाई हैं, सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट। जो नॉर्मल लिंक लिस्ट होता है वही सिंगल लिंक लिस्ट कहलाता है। क्यू में हमने प्रायोरिटी क्यू पढ़ा था, ठीक है। तो ये है। फिर उसके अलावा जो है वो टावर ऑफ हेनोई है, जो कि एक पजल गेम होता है बेसिकली, और नैपसेक प्रॉब्लम है। नैपसेक प्रॉब्लम में बस याद करने वाली चीज है, और थोड़ा सा अगर समझ लें तो वो वाली चीज है, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं। टावर ऑफ हेनोई में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा, फिर एक टॉपिक है कि एक डेटा स्ट्रक्चर बनाए किसी और डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि उसामा है हमारी क्लास का, उसामा अहमद, तो उसने जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स पे वीडियो बनाई है, ठीक है। उसने इस पे भी वीडियो बनाएगा अभी। लिंक लिस्ट में सिंगली और डबली उसने दोनों बना दी हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर्स आपको वही वीडियो प्रोवाइड करेगा। उसके अंदर वो उसने कोड की भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है और थ्योरी की भी, तो वो आप पढ़ लेंगे। मैं बेसिकली सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ाऊंगी और ये दोनों पढ़ाऊंगे, ठीक है। एक एजम्पटोटिक एनालिसिस है, वही जो नोटेशंस होती हैं बिग ओ वाली, तो वो मैंने खुद भी अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी। जब मैं पढ़ लूँ तो रात तक मैं वो इंशाल्लाह पढ़ा दूंगी, अगर टाइम होगा आप लोगों को मैथ्स से। वैसे मैथ्स खत्म कितने बजे होगा? 7 बजे स्टार्ट है तो। साढ़े 11 रात के बहुत, चलो कल पढ़ा दूंगी या जैसे भी, सही है। तो हम उससे बाइनरी सर्च से स्टार्ट करते हैं, लीनियर सर्च से कर लेते हैं। वैसे लीनियर सर्च हमारी उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी एक लीनियर सर्च का ओवरव्यू कर लेते हैं। लीनियर सर्च बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर एक एरे होता है, वो एरे सॉर्टेड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2D एरे, हाँ 2D एरे भी डेटा स्ट्रक्चर्स में आएगा। 2D एरे वो होता है ना, 2 डायमेंशन का, तो उसके अंदर होता है एरे के अंदर एरे होना, तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स मैं आज नहीं ओवरव्यू में दे सकती हूँ, लेकिन उसके अलावा वो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स ना उसामा ही कवर करवा रहे हैं। हाँ मैट्रिसेस वाले, सही है सही है, मैट्रिसेस मैं देखूंगी, अगर मुझे समझ आता है तो मैं पढ़ा दूंगी। अच्छा, तो लीनियर सर्च बेसिकली क्या होता है, जिसमें एक एरे होता है, वो एरे सॉर्टेड भी हो सकता है, अनसॉर्टेड भी हो सकता है, लेकिन लीनियर सर्च में सॉर्टिंग का कोई रूल नहीं होता। सिर्फ आपको एक एरे मिलता है और एक नंबर मिलता है फाइंड करने के लिए, ठीक है। जैसे ये एक्स हो गया 20 और ये हमारा एरे हो गया, तो इस एक्स में हमने कौन सा नंबर फाइंड करना है, इस एरे में हमने 20 नंबर फाइंड करना है, ठीक है। जो कि सिंपल क्या करेगा, ये एक एक 1 बाय 1 करके ये जो है सर्च करेगा। 10 जो है 20 से मैच नहीं करता, फिर आगे बढ़ेगा, 50 नहीं करता, 30 नहीं, 70, 80, 60। ठीक हाँ है, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, सही तो मैं ये कह रही थी जब इसको 20 20 से मैच हो गया ना, तो ये इसका जो इंडेक्स है वो रिटर्न करवा देगा, तो ये लीनियर सर्च होता है, ठीक है। अब बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च भी सर्चिंग ही होती है कि हमें कोई नंबर सर्च करना होता है, लेकिन बाइनरी सर्च में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो एरे दिया गया है वो सॉर्टेड हो, ठीक है। सॉर्टेड
सॉर्टेड इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल करता है, ठीक है। अब डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और इसमें क्यों सॉर्टेड होना लाजमी है वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इसको अगर आप गौर से देखें इस तस्वीर को, तो यहाँ पे हमें ये मिली है एरे, ठीक है, 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 50, 6, 72, 91। तो ये जो हमारी एरे है ये पूरी सॉर्टेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखें ये सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर है, और इनके बीच जो भी आ रहे हैं वो बिल्कुल सॉर्टेड वे में है, ठीक है, सॉर्टेड अनसॉर्टेड नहीं है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है कि आप एक उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, ये कह रहा है कि इसमें 23 को सर्च करो। अब अगर लीनियर सर्च होता तो सिंपल हम इसको 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 करते करते फिर हम 23 तक पहुंचते हैं, लेकिन ये बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो है एक मिड पॉइंट निकालेगा, ठीक है। मिड पॉइंट निकाला, ये हमारा सबसे लोएस्ट नंबर है, ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। इसने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट हमारा इंडेक्स आया 4, ठीक है। 4 पे हमारा कौन सा नंबर था, 16। अब हमें फाइंड कौन सा नंबर करना है, हमें करना है 23। 23 को हम कंपेयर करेंगे इस नंबर से, 16 से। तो 23 16 से क्या है, बड़ा नंबर है, ठीक है। तो बड़े नंबर कौन सी जगह पे जा रहे हैं, राइट साइड पे, ठीक है। राइट साइड पे सारे बड़े नंबर हैं और इसकी लेफ्ट साइड पे सारे छोटे नंबर हैं, क्योंकि 23 इससे बड़ा नंबर है। तो हम इस वाले पूरी जगह को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ राइट साइड वाली जगह देखेंगे, कि राइट साइड वाली जो है, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर आ रहे हैं और 23 जो है 16 से बड़ा नंबर है, ठीक है। अब इस साइड पे भी हम क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, यानी कि डिवाइड कर देंगे। अब इसका मिड पॉइंट क्या निकला, 56, ठीक है। अब फिर इसको 23 से हम कंपेयर करेंगे, 23 से जब हमने इसको कंपेयर किया, अच्छा सॉरी, हाँ, तो 56 को हमने जब 23 से कंपेयर किया तो 23 जो है 56 से छोटा नंबर आया, यानी कि हमने अब राइट साइड पे नहीं देखना, अब हमने लेफ्ट साइड पे देखना है जहाँ पे छोटे नंबर है। तो अब हमारे पास यहाँ राइट साइड पे दो ही बच्चे, 23 38, सही है। तो यहाँ पे हमने जब इसको यहाँ से इसको इसका भी मिड निकालेंगे, इसका जब मिड निकाला हमने तो हमारे पास जो मिड का ही नंबर आया वो क्या आया, 23 आया। तो हमें मिल गया 23 कौन से इंडेक्स पे, 5 इंडेक्स पे। तो ये इस तरह से डिवाइड करके इंडे नंबर सेट करेंगे, कैलकुलेट क्या है? करना है, ठीक है? तो मुझे बताओ कैसे होगा। कोई कुछ कह रहा है मुझे, क्योंकि समझ नहीं आया किसी ने कुछ बोला है। अच्छा तो ये समझ आ गया ना, बाइनरी सर्च, ये बाइनरी सर्च में डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल होता है, और इसमें एरे हमेशा सॉर्टेड वे में आपको मिलता है, ठीक है। अगर आपका एरे जो है वो सॉर्टेड है ही नहीं तो आप बाइनरी सर्च पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात सर ने भी बहुत दफा रिपीट की थी कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और कोई आपको बाइनरी सर्च पे अनसॉर्टेड एरे दे देता है, और अगर आप उसको पहले सॉर्ट करने बैठ जाओगे तो वो आपका वहीं पे कट कर देते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च का रूल है कि आपको एरे जो है वो सॉर्टेड ही मिलना चाहिए, सही है। तो ये आपकी बाइनरी सर्च हो गई। मैं भी सिर्फ थ्योरी करवा रही हूँ, कोड इतना नहीं करवा रही, लेकिन अगर आप इसका एल्गोरिथम लिखना चाहें तो थ्योरी से एल्गोरिथम लिख सकते हैं, और अगर एल्गोरिथम लिख सकते हैं तो सूडो कोड भी लिख सकते हैं, सही है। और सूडो कोड आई थिंक इनफ होता है। अच्छा अब देख लेते हैं सॉर्टिंग्स, ठीक है। तो सॉर्टिंग में सबसे पहले देखते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट जो है वो क्या करता है, वो सही है, ये हम सॉर्टिंग है तो सॉर्टिंग बेसिकली वही होती है कि नंबर्स को, एरे को सॉर्ट करना। अब जैसे हमें मिली है एरे क्या है, 5, 1, 4, 2, 8, ये बिल्कुल अनसॉर्टेड है, ठीक है। तो बबल सॉर्ट क्या करता है कि वो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करता है, जैसे ये 5 है, ठीक है, और इसके बाद जो नंबर आ रहा होता है उसको कंपेयर करवाता है, ठीक है। अगर नंबर जो फर्स्ट नंबर है वो उसको सेकंड से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर फर्स्ट नंबर सेकंड से
छोट वो बड़ा है तो स्वाइपिंग कर दो, अगर बड़ा नहीं है तो एज इट इज रहने दो। तो इस केस में जब हमने 5 को 1 से कंपेयर किया तो 5 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, स्वाइपिंग हो गई, 1 यहाँ चला गया, 5 यहाँ चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि हमने अब क्या किया, नहीं, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट नहीं है, ठीक है, मर्ज सॉर्ट है। मर्ज सॉर्ट और बबल सॉर्ट ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्विक सॉर्ट नहीं है। क्विक सॉर्ट ना सर ने पढ़ाया है ना उसका कोई जिक्र है। अच्छा, उसके अलावा सही है, ये हमारा हुआ पहली स्वाइपिंग, ठीक है। अब इसी स्वाइपिंग में इसने क्या किया कि ये दूसरे नंबर को फिर इसने तीसरे से करवाया। सर ने बोला था मर्ज करवाए, कोई कहेगा, ये मैं सर से ही पूछ के कंफर्म कर देती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में क्विक सॉर्ट नहीं है, क्योंकि क्विक सॉर्ट तो करवाया भी नहीं है। अगर आते क्विक सॉर्ट तो मैं वो भी समझा दूंगी, पढ़ के मैं फिर वो भी समझा दूंगी। अच्छा, हाँ, क्विक शॉट नहीं है। नहीं है ना क्विक सॉर्ट? हाँ, तो बस नहीं है क्विक सॉर्ट, नहीं, लास्ट क्लास में क्विक सॉर्ट नहीं करवाया था, लास्ट क्लास में सर ने मर्ज सॉर्ट ना ही करवाया। क्विक शॉट है, ना ही मर्ज शॉट आएगा। मर्ज सॉर्ट तो आएगा ना, सर ने बोला था कि बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैंने उनसे जब लास्ट क्लास में हुई थी, वो मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कोड नहीं आएगा मर्ज शॉट का, और क्विक शॉट तो उन्होंने खुद लिखवाया था, इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिड टर्म, ये मेरी कॉपी में लिखा हुआ है। सही है, तो मर्ज सॉर्ट का यानी सिर्फ वो आ सकती है, वर्किंग आ सकती है, अगर आ सकती है तो ठीक है, बेस्ट है फिर। हाँ, मेरे ख्याल से उसका कोड नहीं है, क्योंकि उसका कोड बहुत मुश्किल था, तो शायद मेरे ख्याल से वर्किंग में भी आ जाए, लेकिन कोई शॉर्ट बिल्कुल नहीं है मिड टर्म का पार्ट। भाई मर्ज सॉर्ट का कोड बहुत मुश्किल है, पाइथन वाला इजी था। वही तो बोल रहा हूँ कोड नहीं आएगा, लिखा हुआ है कॉपी में, सर ने मना कर दिया कोड नहीं आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे बैठा था ना उस दिन, तो मैंने सर से पूछा था, तो सर बोले थे कि मैंने हाँ, मर्ज सॉर्ट पढ़ाया ना, तो आपको कोई सॉर्ट भी दे सकता हूँ, क्योंकि वो दोनों जो है पिवट रोल पे डिवाइड, वो पिवट रोल वाला जो होता है ना, इनका पिवट रूल जो है हाँ पे बेस्ड करते हैं। हम ये तो कर सर लेते हैं अगर ना, सर कोड से नहीं दे रहे कंफर्म कर उसका लेते हैं। पिक्टोरियल, आप कर लो बेशक, क्योंकि ये दोनों के कोड बहुत मुश्किल है, चलो सर से ना एक दफा मुकर्रम कर आप लो ही आप लोग। कंफर्म कर लें सर से, क्योंकि आपकी सर से बात भी हो रही है, तो आप उनसे पूछ लो कि सर मर्ज सॉर्ट का कोड करें या नहीं करें, और क्विक सॉर्ट का क्या है, कि वो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। चलो हम ये कंटिन्यू कर चले, लेते हैं, सही मैं है। आप हाँ, लास्ट में मैं ट्राई करता हूँ सर से बात अगर करता हूँ। वो बोलते हैं सिर्फ वर्किंग आएगी, तो वर्किंग का मतलब तब वो पिक्चर्स वाला जो है हाँ ना, हाँ जो हाँ खैरून हाँ साहब भी आप पढ़ा रही हो, जी इस जी तरह का फिर आएगा जी अगर जी 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 वर्किंग का बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अगर अच्छा कोड चलो बोलते हैं तो फिर मैं वो बहुत हाँ मुश्किल है। हाँ हाँ सही है, आप कंफर्म कर लो फिर मैं ये कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं इस तरह से पिक्चर से बता रही हूँ ना, इस पिक्चर को भी बहुत ज्यादा जहन में रखना, कि अगर सर इनकी वर्किंग कहते हैं ना, तो वर्किंग को आपको इस पिक्चर से पूरा बनाना पड़ेगा। जैसे अगर उन्होंने कहा कि बाइनरी सर्च को डिफाइन करो, उसकी वर्किंग बताओ, तो उसका आप पहले डेफिनेशन लिखोगे कि बाइनरी सर्च होता क्या है, फिर आप उसमें जो है ये, जैसे ये है ना एक एरे आपने बना दिया, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप, इस तरह से करके उसकी पूरी वर्किंग बतानी होगी। सेम टू सेम बबल सॉर्ट और सारी सॉर्टिंग और सर्चिंग में इसी तरह से बताना होगा। अब बबल सॉर्ट में देखो, बबल सॉर्ट में ना अच्छा पासिस होते हैं, जैसे फर्स्ट पास है, तो अब ये देखो कि हमने जो है 5 को 1 से कंपेयर किया, 5 बड़ा था, स्वाइपिंग हो गई, 1 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। अब 5 5 को 4 से कंपेयर किया, तो 5 बड़ा है 4 से, तो स्वाइपिंग हो गई, 1 4 5 हो गया, ठीक है। अब 5 को 2 से कंपेयर किया, तो 2 जो है वो हमारा छोटा है 5 से, स्वाइपिंग हो गई, ठीक है। और 5 जो है वो छोटा है 8 से, तो कोई स्वाइपिंग नहीं हुई। अब इसको ना गौर से देखो, अब ये क्या है कि 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 5 8 आ गया, सही है, 1 4 सही है, 5 8 सही है, 2 जो बीच में आ रहा है ना, ये स्टिल इसका अनसॉर्टेड बना रहा है इसको। तो बबल सॉर्ट इस तरह से काम करता है कि पहले इसमें पहला पास चलता है, पहले पास में जो है वो इस तरह से स्वाइपिंग करता है कि 2 नंबर को कंपेयर करते करते आगे चला गया, ठीक है।
सबसे लास्ट में जो है ना वो हमेशा एक सबसे बड़ा नंबर आ जाता है, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आ जाता है, और उसकी जगह जो है वहां पे रिजर्व हो जाती है। तो फिर अब देखो कि यहाँ पे जो है 8 हमेशा ऐसे ही 8 रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अब फर्स्ट पास में हो गया ये, अब सेकंड पास करेंगे, क्योंकि देखो ये जो 2 है ना ये यहाँ पे सही से सॉर्ट नहीं हुआ हुआ, अब दोबारा से करेंगे। 1 4 से बड़ा है, नहीं बड़ा, कोई स्वैपिंग नहीं हुई। 4 2 से बड़ा है बड़ा, स्वैपिंग हो गई, ठीक है। 1 2 4 5 8, 4 5 से नहीं है बड़ा, कोई स्वैपिंग नहीं हुई। अब ये हमारा हो गया, अब हमें तो लग रहा है कि बिल्कुल शॉर्ट हो गया, लेकिन एक ये तीसरा पास भी चलाएगा, ठीक है। तीसरा पास इसलिए चलाएगा क्योंकि दूसरे पास में एक स्वैपिंग हुई थी, ठीक है। अब तीसरे पास में जब कोई स्वैपिंग नहीं होगी तो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ये होता है बबल शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 3 स्वैपिंग हुई, फिर इसने सेकंड पास लाया, सेकंड पास में एक स्वैपिंग हुई, इसने थर्ड पास लाया, थर्ड पास में कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई, तो हमारा बबल शॉट हो गया। ये होता है सिंपल बबल शॉट। फिर आता है सिलेक्शन शॉट। अच्छा, बबल शॉट की वर्किंग आए ना तो इसी तरह से पूरा करके दिखाना होगा। सर ने अच्छा बोला भी था कि बबल शॉट के 2 सवाल आएंगे, एक सवाल यही आ सकता है कि इसकी वर्किंग बताएं, और दूसरा यही आ सकता है कि इसकी कोडिंग बताएं। तो बबल सॉर्ट की कोडिंग और वर्किंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पास की इसलिए जरूरत आई है क्योंकि देखो यहाँ पे ये सारी स्वैपिंग हो गई। अब ये तो हमें देख के लग रहा है ना, क्योंकि हमारे सामने एरे है तो हम देख के बता रहे हैं कि यार ये तो सॉर्टेड नहीं है, 1 के बाद 2 आना चाहिए, 4 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, ये तो हम देख रहे हैं ना। लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि पीछे वाले हिस्से पे जो उसने स्वैपिंग की है वो ठीक की है या नहीं की, इसलिए उसने चलाया सेकंड पास। अब सेकंड पास पे जो है वो हमें नजर आ रहा है कि एरे जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है सेकंड पास की वजह से, लेकिन वो थर्ड पास भी एक चलाएगा। थर्ड पास पे जब उसको कोई भी स्वैपिंग नहीं नजर आएगी ना, कहेगा कि कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई है, यानी कि सब सॉर्टेड है इसलिए स्वैपिंग नहीं हुई है, तो इसलिए थर्ड पास की नहीं है, और फिर वो फोर्थ पास नहीं चलाएगा। सही है। अब सिलेक्शन सॉर्ट कर लेते हैं। बबल सॉर्ट में 2 सवाल आएंगे। अरीशा ने पिक्चर डाली थी ना जिसके अंदर एक ब्लैक से था, तो वो वाले टॉपिक से जो सर ने वर्बली हमें बताए थे क्लास में, रेड से वो वाले टॉपिक से जो सर ने खुद लिख के बताए थे, और उसके नीचे एक पेपर पैटर्न भी लिखा हुआ था कि 2 सवाल जो हैं बबल सॉर्ट से आएंगे, 1 सवाल बोनस होगा। तो बबल सॉर्ट का मैं ये आइडिया बता रही थी कि एक आ सकता है कि आप कोडिंग लिखें, एक आ सकता है कि इसकी वर्किंग और डेफिनेशन बताएं। अच्छा, खैर वर्किंग में इस तरह दिखेंगे, यानी कि जो अभी आपने बताया है। हाँ, वर्किंग में इसी तरह से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसका पहला पास होगा, फिर इसमें इस तरह से स्वैपिंग होगी, 2 नंबर को वो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, फिर वो सेकंड पास भी चलाएगा, सेकंड पास चलाएगा, फिर उसमें स्वैपिंग होगी, फिर वो थर्ड पास चलाएगा, जब कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी तो फिर वही लास्ट पार्ट हो जाएगा और वो उसको टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि हमारा सॉर्टिंग हो चुकी होगी, ओके ठीक है। फिर हमारा आता है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट भी सॉर्टिंग ही करता है, बस इसमें ये डिफरेंस आता है कि हमारा जैसे बबल सॉर्ट में जो है वो पासेस चल रहे होते थे ना, सिलेक्शन सॉर्ट में पासेस नहीं चलते। सिलेक्शन सॉर्ट जो है एक ही दफा में चेंज करता है, ठीक है। अब वो कैसे चेंज करता है, स्टार्ट करता है ये बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट नंबर से, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट नंबर से स्टार्ट करता है। अब इसके जो अब ये क्या करता है कि ये आ गया 29, वो क्या करेगा, वो 29 को अपने पास सेव कर लेगा कि ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट पे हमेशा सबसे छोटा नंबर आना चाहिए, ठीक है। ये जबकि 29 सबसे छोटा है नहीं, लेकिन मैं इसकी वर्किंग बता रही हूँ। सिलेक्शन सॉर्ट जब स्टार्ट होता है वो लेफ्ट मोस्ट नंबर को सबसे छोटा गेट कर लेता है, ठीक है। तो इसने अपने पास सेव कर लिया कि 29 सबसे छोटा नंबर है। अब जो है वो चेक करेगा, सही है, क्या चेक करेगा कि इसके बाद चेक करेगा, अब 29 को कंपेयर करेगा 72 से, तो हाँ ये 72 से छोटा है।
98 से कंपेयर करेगा तो हाँ ये 98 से छोटा है, 13 से कंपेयर करेगा तो नहीं, 13 जो है वो 29 से छोटा है, बड़ा नहीं है, तो क्या हो गया, स्वैप हो गया, ठीक है, स्वैप हो गया। तो क्या हो गया कि हमारे पास जो छोटा नंबर था वो यहाँ पे आ गया 13। अब जो है वो फिर से जो सेकंड नंबर है यानी कि यहाँ पे है हमारे पास 72 नंबर, अब वो इसको सेव कर लेगा कि मेरे पास 13 के बाद जो है वो छोटा नंबर 72 है। अब वो करेगा 72 को दूसरे नंबर से कंपेयर, ठीक है, 72 जो है वो 98 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो स्वैपिंग नहीं हुई। अब जो है वो 72 जो है वो 29 से छोटा है, बिल्कुल छोटा नहीं है, बड़ा है, स्वैपिंग हो गई, 29 यहाँ आ गया, 72 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 13 सबसे छोटा आ गया, फिर 13 से बड़ा 29 आ गया, फिर 29 से बड़ा 98 आ गया। अब हम करेंगे 98 को कंपेयर, ठीक है, 98 जो है वो 72 से भी बड़ा है, 87 से भी बड़ा है, 66 से भी बड़ा है, 52 से, सबसे छोटा जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 36। तो 36 के साथ इसने कर दी स्वैपिंग, अब हमारा हो गया 13 29 36, ठीक है। अब ये फिर आगे 72 पे, फिर 72 को कंपेयर करेंगे, हमारे पास आ रहा है सबसे छोटा 51 की स्वैपिंग कर दी। इस तरह से ये सारी स्वैपिंग करते 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 यहाँ पे पहुंचे जो कि आया 87 जो है वो 98 से छोटा है, छोटा है, और यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं हुई, और ये हमारा हो गया बिल्कुल कंप्लीट सॉर्टिंग। तो सिलेक्शन सॉर्ट इस तरह से काम करता है। बबल सॉर्ट जो है वन बाय वन पासिस में काम करता था कि उसने पहले एक पास को कर दिया, दो दो को कंपेयर करा करा के। सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो एक ही एरे में एक ही नंबर को कंपेयर करा करा के सॉर्टिंग कर देता है। माइक ऑफ कर दें, डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। ये हो गई सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट हो गई, सिलेक्शन सॉर्ट हो गई, बाइनरी सर्च हो गई। अब हम चलते हैं इंसर्शन सॉर्ट पे। अच्छा, इंसर्शन सॉर्ट क्या करता था, सब एक मिनट, मर्ज सॉर्ट देख लेते, इंसर्शन सॉर्ट में भी थोड़ा सा भूल गई। अच्छा, मर्ज सॉर्ट जो है ये भी हमारा होता है डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पे चलता है, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट क्या करता है कि हमारे पास एक एरे मिलता है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास मिल गया एरे 6 5 12 10 9 1, इस एरे को उसने कर दिया दो पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। दो पार्ट्स कौन से हो गए, 6 5 12 एक जगह आ गया, 10 9 1 एक जगह आ गया। अब ये जो 6 5 12 है इसको भी इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 को एक जगह लिख दिया, 5 12 को एक जगह लिख दिया, 10 9 1 को भी इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 को एक जगह डिवाइड कर दिया, 9 1 को एक जगह लिख दिया। अब 6 तो ऐसे ही 6 आ गया, 5 और 12 को भी इसने डिवाइड कर दिया कि 5 यहाँ आ गया 12 यहाँ आ गया, सेम इसी तरह, हाँ सेम इसी तरह 10 यहाँ आ गया, 9 और 1 को भी डिवाइड कर दिया तो 9 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। अब जब ये सब अलग अलग हो गए, अब इन पे करेंगे थोड़ी सी सॉर्टिंग अप्लाई, ठीक है। 6 तो सिंपल 6 ही था, इसके साथ कोई और नहीं था, तो ये ऐसे ही 6 आ जाएगा। अब ये 5 और 12 को जो है हम कंपेयर करेंगे, 5 छोटा है तो वो पहले लिखा जाएगा, 12 बड़ा है तो वो बाद में लिखा जाएगा। सेम इसी तरह 9 बड़ा है तो 9 यहाँ लिखेंगे, 1 छोटा है तो 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सॉर्टिंग अप्लाई हुई। अब ऑड एरे के हो, यार ये ना बेसिकली एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, उस मिड पॉइंट के फॉर्मूला से डिवाइड करें। हम देखो जैसे ये 6 5 12 है, ये ऑड नंबर है, इस ऑड नंबर को भी डिवाइड कर दिया तो 6 यहाँ आ गया, 5 12 यहाँ आ गया। तो ये फॉर्मूले से ही डिवाइड होता है जो कि हम कोडिंग में लगाते हैं, ठीक है।
ठीक है. अच्छा अब जो है ये देखो, 6, 5, 12, 5 और 12 जो है वो तो हो गया था. अब 6 को जब ऐड करवाएंगे तब इनको कंपेयर करके करेंगे. सबसे पहले 6 को देखेंगे, 6 जो है वो 6 है. फिर इसको 5 से कंपेयर करेंगे, 6 बड़ा है 5 से, 5 को पहले लिखेंगे, 6 को बाद में लिखेंगे, फिर 12 को लिखेंगे. ठीक है. इसी तरह सेम 10 को कंपेयर करेंगे 1 से, 1 छोटा है 10 बड़ा है. सही है. तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे, 10 को भी नहीं लिखेंगे, 10 को दोबारा कंपेयर करेंगे 9 से, यानी कि इस वाले को इन दोनों से कंपेयर करेंगे. जैसे 6 को भी इन दोनों से ही कंपेयर किया था, 6 को पहले 5 से किया, 5 छोटा था लिख दिया, फिर 6 को 12 से किया, 6 क्योंकि 12 से छोटा है तो पहले 6 आ गया फिर 12 आ गया. इसी तरह 10 जो है उसको 1 से कंपेयर किया तो 1 पहले आ गया, फिर 10 को 9 से कंपेयर किया तो 9 आ गया, फिर 10 आ गया. ठीक है. अब इसी तरह से यहाँ पे कंपेयरिंग होगी. कैसे? 5 को कंपेयर करेंगे 1 से, तो 1 जो है वो छोटा है तो 1 यहाँ आ गया, फिर 5 को कंपेयर करेंगे 9 से. ठीक है. अब जो 5 है वो छोटा है 9 से, तो इसलिए 5 यहाँ आ गया. अब 9 को कंपेयर करेंगे हम 6 से, 6 जो है वो छोटा है 9 से, तो 6 यहाँ आ गया. अब हम 9 को कंपेयर करेंगे 12 से. ठीक है. तो 9 जो है वो 12 से छोटा है, तो इसलिए 9 यहाँ आ गया. अब 12 को कंपेयर करेंगे हम 10 से, 10 छोटा है 12 से, 10 यहाँ आ गया, 12 यहाँ आ गया. ये हमारी हो गई मर्ज सॉर्ट पूरी. समझ आई आप लोगों को? नहीं आई तो बता दें, मैं इसी को दोबारा से समझा दूंगी. सही है. अच्छा सही है. इंसर्शन सॉर्ट में बस एक मिनट इसको देख लूं ध्यान से कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे होती थी, मेरे दिमाग से निकल गया. अच्छा, अगर सर ये वर्किंग का सवाल लाए तो हम बस सिंपल फिगर बना के जो है वो बताना होगा, ये वर्किंग हो गई. बिल्कुल बिल्कुल. अब देखो मर्ज सॉर्ट की जो है ये वर्किंग, लेकिन वर्किंग के साथ आपको एक लाइन लिख के बताना भी पड़ेगा कि इस लाइन में क्या हो रहा है. जैसे ये तस्वीर बनी हुई है और मैं आपको ओरल बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैं जो ओरल बता रही हूँ ना उसको आपने पेपर पे लिखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है. ठीक है. जैसे आपने फर्स्ट बता दिया कि हमारे पास सबसे पहले एक एरे गिवन है, हमने उसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया. फिर आप लिखोगे इन दोनों को भी हमने मिड पॉइंट से डिवाइड कर दिया, और फिर ये जो कंपेयरिंग वाला पार्ट है ना, इस कंपेयरिंग वाले पार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लो. ठीक है. मैं दोबारा से इसकी कंपेयरिंग बताती हूँ कि ये कैसे करता है. 5 अलग हो गया, 12, ये सारे अलग अलग हो गए. ठीक है. तो 5 को 12 से किया, सही है. तो दो नंबर की सिर्फ कंपेयरिंग थी, तो इसलिए बस कर दिया कि 5 छोटा है वो पहले आ गया, 12 बड़ा है वो बाद में आ गया. अब गौर से सुनना, 6 को हमने कंपेयर किया 5 से. ठीक है. 6 को कंपेयर किया 5 से, 5 छोटा था उसको यहाँ पे लिख दिया. दोबारा हमने 6 को कंपेयर किया 12 से. सही है. जो बड़ा नंबर रहता है ना उसको हम दूसरे से कंपेयर करवाते हैं, और जो छोटा नंबर हो जाता है ना उसको हम नीचे एरे में उतार लेते हैं. ठीक है. तो 6 को 5 से किया, 5 आ गया. 6 को 12 से किया, क्योंकि 6 छोटा था तो 6 आ गया, फिर हमने 12 को ऐसे ही लिख दिया. अब यहाँ पे भी यही है, 10 को कंपेयर किया 1 से, 1 छोटा था लिख दिया, 10 को कंपेयर किया 9 से, 9 छोटा था लिख दिया, 10 तो 10 ही तार पर गया. ठीक है. अब ये भी 3 की थी तो ये छोटी थी. अब बड़ी पे आ जाओ. 5 को हमने कंपेयर किया यहाँ के 1 से, 1 छोटा था उतार दिया. 5 को ही, यानी कि 5 हमारे पास अभी तक बड़ा नंबर है, तो हमने 5 को ही कंपेयर करवाएंगे. तो 5 को हमने दोबारा कंपेयर किया किससे? 9 से. ठीक है. तो 9 से क्या हुआ कि 5 जो है वो छोटा था, तो 5 हमने लिख दिया, अब हमारे पास 9 आ गया नंबर. अब हम जो कंपेयरिंग करेंगे ना, अब हम जो कंपेयरिंग करेंगे वो 9 से करेंगे. 9 को हमने कंपेयर किया 6 से, 6 छोटा था, 6 यहाँ लिख दिया गया. अब हम 9 को कंपेयर करेंगे 12 से, 12 जो है वो बड़ा था तो 9 छोटा था, इसलिए 9 हमने लिख दिया. अब हमारे पास आ गया 12. अब 12 को कंपेयर करेंगे इसके 10 से, 10 छोटा था लिख दिया, अब 12 ऐसे ही एज इट इज आ गया. तो ये जो कंपेयरिंग पार्ट है ना, इस कंपेयरिंग पार्ट को अच्छे से समझना काफी हो जाएगा. ठीक है. सही. अच्छा देखो, ये बेसिकली ये होता है इंसर्शन सॉर्ट, कि हमारे पास जो है आई है एक एरे,
इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है, वो फर्स्ट एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो उसको एज्यूम कर लेता है कि ये जो है सॉर्टेड एलिमेंट है, यानी कि ये एलिमेंट जो है सॉर्ट हुआ हुआ है। अब जो वो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसको दूसरे से करेगा कंपेयर, सही है। जैसे इसने 85 को 12 से कंपेयर किया तो 85 12 से बड़ा था, 12 छोटा था, तो क्या हो गया, स्वैपिंग कर दी, ठीक है। 85 यहाँ आ गया, 12 यहाँ आ गया। अच्छा अब ये तो होगा कि पुरानी जैसे हमने दूसरी सॉर्टिंग पढ़ी है तो वैसी ही सॉर्टिंग है, तो ये ना थोड़ी डिफरेंट है उनसे सॉर्टिंग, वो थोड़ा आगे स्वैपिंग करते हैं तो फिर पता चलती रहेगी, सही है। कैसे, अब यही जो 85 है इसको हमने 59 से किया, 59 जो है वो छोटा था, वो इधर आ गया। फिर जो है हमने क्या किया कि 59 जब आ गया इधर, अब 85 को किससे करवाया, 45 से। अब 45 जो है वो 85 से तो छोटा है, लेकिन वो एट द सेम टाइम 59 से भी छोटा है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाला जो नंबर है 45, इसने यहाँ 59 के बाद आने की बजाय ये आएगा 59 से पहले, ठीक है। तो किस तरह से होगा कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, 85 को कंपेयर किया 12 से, 85 से पहले कोई और नंबर नहीं था, तो हमने सीधा 12 को यहाँ लिख दिया, 85 को यहाँ लेके, फिर 85 को कंपेयर करवाया 59 से। तो 59 क्या करेगा, 59 जो है वो 85 से तो कंपेयर हुआ जहाँ पे वो छोटा था, वो उससे पहले वाले नंबर से भी कंपेयर करेगा। उससे पहले वाले नंबर से कंपेयर किया जो कि 12 था, 59 12 से बड़ा है, तो इसलिए वो 12 के बाद आ गया और 85 से पहले आ गया, ठीक है। ये डिफरेंस है इंसर्शन सॉर्ट का। इंसर्शन इंसर्ट यानी वो जो है बीच बीच में जाके इंसर्ट करवा के जो है सॉर्ट करता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास आ गया नंबर 45, उसने पहले 45 को 85 से कंपेयर किया, 85 से तो वो ऑब्वियसली छोटा है, फिर उसने 85 के बाद उसको 59 से भी कंपेयर किया, वो तो 59 से भी छोटा है, फिर उसने उसके बाद 12 से भी किया, 12 से वो बड़ा है, तो इसलिए वो 12 के बाद आ गया 45, 12 45 फिर आया 59 फिर आया 85। अब हम यहाँ पे करवाएंगे 85 को 72 से कंपेयर, तो 72 85 से छोटा है, लेकिन जब 59 पे गए तो 59 से बड़ा है, तो इसलिए वो 59 के बाद आ गया और 85 से पहले आ गया। अब हमारे पास बचा सिर्फ एक नंबर जो कि है 51, तो 85 को जब 51 से कंपेयर करवाया तो 51 से जो है वो छोटा था, 51 से 85 छोटा था, ठीक है, वो पीछे गया, ठीक है, ये जगह आ गई। फिर उसने जब 72 से कंपेयर किया तो वो 72 से भी छोटा था, तो 72 यहाँ आ गया, ये बीच में एक जगह आ गई। फिर उसने 59 से कंपेयर किया तो वो 59 से भी छोटा था, तो ये जगह आ गई। फिर उसने 45 से कंपेयर किया, लेकिन वो क्योंकि 45 से बड़ा था तो 45 के बाद और 59 से पहले आ गया। तो इस तरह से बीच में इंसर्ट कर करके जो है वो करता है आपकी सॉर्टिंग, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से पूरी इसकी वर्किंग करके दिखानी होगी, ठीक है। अच्छा अगर आपको वर्किंग समझ आ रही है तो बहुत ज़्यादा गुड है, आप अपनी अपनी खुद की वर्डिंग में लिखोगे ना तो बहुत आसान है। अगर आपको आइडिया चाहिए कि वर्किंग किस तरह से लिखनी है तो देखो यहाँ पे हर स्वैप के आगे एक वर्किंग लिखी हुई है, तो आप इस तरह से भी वर्किंग लिख के दिखा सकते हो। बस एक लाइन भर देना वर्किंग में, बहुत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाँ वो सर ने जवाब दे दिया है, वो दोनों शॉर्ट नहीं है। सही है, मर्ज सॉर्ट बिल्कुल भी नहीं है या सिर्फ कोड नहीं है? नहीं, मैंने उनसे पूछा था कि सर मर्ज सॉर्ट का कोड वगैरह लिखना है नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया, और क्विक सॉर्ट बिल्कुल नहीं है, ये पूरा सॉर्ट नहीं है, क्विक सॉर्ट जो है। सही है। तो बस आप लोगों ने मर्ज सॉर्ट की वर्किंग देख ली है ना, बस इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं मिलना। हाँ वर्किंग सही है, अगर इन केस देते मेरे वर्किंग लिख लेंगे, ये सही है, ठीक है, कोड नहीं आएगा, ये पक्का हो गया मर्ज सॉर्ट। चलो ये तो बेस्ट हो गया। अच्छा एक मैं कोडिंग का बता दूं कि कोडिंग ना किस किस की इम्पोर्टेंट है। बबल सॉर्ट की इम्पोर्टेंट है, लिंक लिस्ट में सिंगली और डबली की इम्पोर्टेंट है, और किसी एक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को बनाना इसकी इम्पोर्टेंट है। अब ये नहीं पता कि सर कौन से डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके कौन सा देंगे, मैंने काफी फोर्स किया था उनको, लेकिन उन्होंने कहा था चॉइस में छोड़ देना, तो मैं वही करता रहूंगी।
तो हमारी यहाँ पे जो है सॉर्टिंग वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। बाइनरी सर्च कर लिया, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन, इंसर्शन, मर्ज सॉर्ट, सही है, ये सारे सॉर्ट हो गए और सर्चिंग भी हो गई। मीटिंग अगर एंड हो जाए तो जो लिंक मैंने सेंड किया हुआ है सेम उसी लिंक को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टावर ऑफ हैनोई। अच्छा टावर ऑफ हैनोई का ना वो आएगा, एल्गोरिथम आएगा, ठीक है। एल्गोरिथम को समझने से पहले जो है हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। टावर ऑफ हैनोई है क्या? टावर ऑफ हैनोई एक पजल है, मैथमेटिकल पजल है, जहाँ पे आपको कुछ रॉड्स दी जाती हैं, डिस्क दी जाती हैं। आपको जो डिस्क मिलती है ना, आप इस ये जो पहली वाली तस्वीर है ना, इस पर गौर करो, ये वाली जो है तीन रॉड्स हैं, ए बी सी, ठीक है। रॉड ए पे जो है वो क्या है, तीनों डिस्क आई हुई हैं, ठीक है। हमें टास्क क्या मिला हुआ है, हमें टास्क मिला है कि इन तीनों को जो है वो रॉड सी पे मूव करना है, ठीक है, रॉड सी पे मूव करना है। टावर ऑफ हैनोई यानी कि आपके पास कुछ रॉड्स होती हैं और कुछ डिस्क होती हैं। आपका जो स्टार्ट होती है पजल, एक रॉड पे सारी डिस्क होती हैं, और डिफरेंस याद रखना कि जो सारी डिस्क होती हैं वो एक असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे नीचे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बड़ा आ रहा है फिर छोटा आ रहा है फिर उससे बड़ा आ रहा है, इस तरह से नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका टावर ऑफ हैनोई, कि गेम यहाँ से स्टार्ट होता है पजल से, ठीक है। और आपको ना साथ ही में टास्क मिलता है कि आपने इन सारी डिस्क को जो है एक रॉड पे मूव करवाना है। जैसे यहाँ पे जो है वो टास्क है कि आपको ए से सी में मूव करवाना है। अभी जो मूवमेंट होती है ना, ये कुछ रूल्स फॉलो करके मूवमेंट होती है, ऐसा नहीं है